नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप तो देख ही रहे हैं, आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। तो सबसे पहले तो हम प्याज को काट लेंगे और सारे मसाले को भून लेंगे और भूनकर पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पीस लिए हैं। तो अब हम चूल्हे को जला लेते हैं। इधर हमने सोयाबीन को पहले ही पानी में भिगो कर रखे थे, अब इनको अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेते हैं। निचोड़िएगा थोड़ा दबा दबा कर दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कढ़ाई को रख देंगे और अब हम एक छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। अब हम जो सोयाबीन को निचोड़ कर रखे थे, हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोटी चम्मच, और एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा हिसाब से ही डालिएगा, नहीं तो नमक तेज भी हो सकता है। तो अब हम सारी चीजों को मिलाकर और सोयाबीन को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं अच्छे से एकदम। तो सोयाबीन हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम निकाल लेते हैं और फिर से कढ़ाई को रख देंगे। अब हम 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा दोस्तों, तभी तो सब्जी टेस्टी बनेगी। और अब हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, और जीरा जैसे ही चटक जाएगी तो हम प्याज को डाल देंगे, और प्याज को डालकर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 छोटा टमाटर लेंगे जिसको काटकर डाल देंगे, और टमाटर को डालते के साथ ही क्या डालेंगे दोस्तों, नमक। नमक तो बहुत ही जरूरी है, तो नमक को डाल देते हैं। अब हमने जो मसाले को पीस कर रखे थे, मसाले को भी डाल देंगे। अब हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हम लोग तीखा थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं दोस्तों। और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, और 2 छोटे-छोटे आलू लिए थे, उनको उबाल लिए थे, अब उनको भी काट कर डाल देंगे मसाले में। आलू को डालकर फिर से थोड़े देर के लिए भून लेंगे। अब हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, कस्तूरी मेथी जरूर से डालिएगा दोस्तों। अब हम जो फ्राई करके सोयाबीन रखे थे उनको भी डाल देंगे, और अच्छे से मसाले को भून लेंगे। हमारे मसाले भून गए हैं, अब हम पानी डाल देते हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो। तो अब हम थाली से ढक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सब्जी है बन गई। हम सब्जी को एक कटोरे में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है।